आइए दोस्तों, वेलकम है आप सभी का वीकली टेक अपडेट के एक और एपिसोड में। और आज भी बहुत सारा अपडेट है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर से करिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों, वन प्लस नॉट सी 4 5G इंडिया में लॉन्च हो गया है। काफ़ी एग्रेसिव प्राइजिंग पर लॉन्च हुआ है। 8128 24999 के प्राइस पर लॉन्च हुआ है। 8256 26999 के प्राइस पर लॉन्च हुआ है। कुछ ऑफर्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 देखने को मिलता है। एक बहुत ही बढ़िया चिपसेट लगा हुआ है इसमें। 5500 mAh का बैटरी दिया गया है। 100W के चार्जिंग मिलता है। 120Hz AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्राइजिंग कैसा लगा। वैसे इसका जो बड़ा भाई है वन प्लस नॉर्ड 4, वो आपको जून या फिर जुलाई के महीने में देखने को मिल जाएगा। लावा ने रिसेंटली लावा अग्नि 5G को लॉन्च किया था। अब बताया जा रहा है कि लावा अग्नि 3 इंडिया में आने वाला है। वैसे इसका कंप्लीट स्पेक्स लीक हो गया है। इसमें आपको डेमेंसिटी 7200 देखने को मिलेगा, जो कि आपने अभी रिसेंटली आईक्यू Z9 में देखा होगा। 1.5K रेजुलेशन वाला आपको एक कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले होगा। 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल जाएगा। 50 का रियर कैमरा होगा, वह इसका आपको सपोर्ट मिल जाएगा। 16 का सेल्फी कैमरा होगा। 5000 mAh की बैटरी होगी। 67W की चार्जिंग होगा। एंड्रॉयड 14 के साथ आने वाला है। एंड इंडिया में जो इसका प्राइस है अंडर 25,000 के रेंज में आएगा। जी हाँ, 22,000-23,000 रुपये के प्राइस पे आना चाहिए। बाकी देखते हैं कि लावा इस फ़ोन को इंडिया में कब तक लॉन्च करता है। ये आने वाले टाइम में आपको मालूम चल जाएगा। Vivo T3X एंड iQOO Z9X ये दो फ़ोन इंडिया के BIS पर सर्टिफाइड हो चुका है। इसी महीने इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अप्रैल के एंड तक लॉन्च हो जाएगा। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 14 के साथ आने वाला है। वैसे और क्या स्पेक्स होगा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो अंडर 15,000 के रेंज में आने वाला है। जी हाँ, 12,000-13,000 के आसपास में इंडिया में प्राइस होगा। और ये दो फ़ोन आपको इसी महीने अप्रैल के एंड में इंडिया में देखने को मिल जाएगा। Samsung Galaxy M55 एंड M15 5G ये दो फ़ोन इंडिया में 8 अप्रैल को लॉन्च होने वाला। अब ऑफिशियली ये कंफर्म हो चुका है। अब M55 5G में आपको Snapdragon 7 Gen 1 देखने को मिलेगा। 120Hz AMOLED डिस्प्ले होगा। 5000 mAh की बैटरी, 45W की चार्जिंग आपको मिलेगा। 50 का रियर कैमरा होगा और 50MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। वैसे इंडिया में जिसका प्राइसिंग बताया जा रहा है 26,000-27,000 के इन बिटवीन होगा। जी हाँ, M15 5G की बात करूँ तो इसमें आपको MediaTek का Dimensity 6100 प्लस 5G चिपसेट देखने को मिलेगा। 6000 mAh की बैटरी होगी। 25W की चार्जिंग होगा। एक 90Hz AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है। और इंडिया में जो इसका प्राइस है अराउंड 13K-14K के आसपास में होगा। सो ये दो फ़ोन M55 एंड M15 5G 8 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, रिसेंटली Vivo V30 सीरीज इंडिया में लॉन्च हुआ था और अब ऐसा लग रहा है कि इस सीरीज में एक और फ़ोन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है, Vivo V30e 5G। इसमें आपको Snapdragon 6 Gen 1 देखने को मिलेगा। 120Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले होगा। 5000 mAh की बैटरी होगी। वैसे इंडिया में इसका क्या प्राइसिंग होगा अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये इंडिया के BIS पे ऑलरेडी सर्टिफाइड हो चुका है। सो देखते हैं कि Vivo V30e 5G इंडिया में कब तक लॉन्च होता है। आने वाले टाइम में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगा। फाइनली Moto Edge 50 Pro 5G इंडिया में लॉन्च हो गया है। प्राइजिंग काफ़ी अच्छा रखा गया। स्पेक्स की बात करूँ तो Snapdragon 7 Gen 3 देखने को मिलता है। जी हाँ, वही चिपसेट यूज हुआ है जो Note CE4 में यूज किया गया है। एक 144Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया। 50 का आपको रियर कैमरा मिलता है। OIS के साथ आता है। 4500 mAh का बैटरी दिया गया। 125W की आपको फास्टिंग सपोर्ट मिलेगा। IP68 रेटिंग के साथ आता है। वैसे इसका जो बेस वेरिएंट है 8GB 256GB 31999 के प्राइस पे लॉन्च हुआ है। और इसमें आपको 68W का चार्जर बॉक्स में मिलेगा। और इसका जो हायर वेरिएंट है 12GB 256GB ये 35999 के प्राइस पे लॉन्च हुआ है। और 125W का चार्जर आपको बॉक्स में मिलेगा। इसमें आपको कुछ ऑफर्स वगैरह भी देखने को मिलता है। सो इफेक्टिव जो प्राइस है 29999 हो जाता है। मुझे इसका प्राइजिंग अच्छा लगा। आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगला जो अपडेट है Xiaomi की तरफ से आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि Redmi Note 13 Turbo चाइना में लॉन्च होने वाला है और वही फ़ोन इंडिया में Poco F6 के नाम से आने वाला है। बट अब जो है Redmi ने जो है एक नए फ़ोन को टीज कर दिया है। जी हाँ, Redmi Turbo 3 5G। अब बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोन है इंडिया में Poco F6 के नाम से आने वाला है और ये इसी महीने अप्रैल में चाइना में लॉन्च हो जाएगा। Snapdragon 8S Gen 3 के साथ और 5000 mAh की बैटरी होगी। 90W की आपको चार्जिंग देखने को मिलेगा। एक AMOLED डिस्प्ले होगा। हाईर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा।
एंड इंडिया में जो इसका प्राइस है अराउंड 40,000 के आसपास में आएगा। सो आप मान के चलो कि अप्रैल में तो ये चाइना में लॉन्च हो रहा है, सो मई या फिर आपको जून वगैरह के महीने में इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अगला जो अपडेट है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो सीरीज के बारे में, इसका इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो चुका है, 12 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। दो फोन आने वाला है इस सीरीज में, इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो एंड प्रो प्लस 5G। दोनों में जो स्पेक्स है आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, सिर्फ बैटरी और चार्जिंग का डिफरेंस है। दोनों ही फोन डायमेंसिटी 7020 के साथ आने वाला है। एक 120 हर्ट्ज कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले होगा, 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होने वाला है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, एंड्रॉयड 14 के साथ आने वाला है। इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G में आपको 5000 mAh की बैटरी होगी और 45 वाट की आपको चार्जिंग मिलने वाला है। और जो नोट 40 प्रो प्लस 5G होगा उसमें आपको 4600 mAh की बैटरी होगा और 100 वाट की चार्जिंग मिलेगा। बाकी दोनों ही फ़ोन में आपको 20 वाट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, वायरलेस रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और इंडिया में जो इसका स्टार्टिंग प्राइस है अंडर 25,000 के रेंज में आना चाहिए। बाकी देखते हैं कि इन्फिनिक्स इस फ़ोन को इंडिया में किस प्राइस पे लॉन्च करता है, यह आपको 12 अप्रैल को मालूम चल जाएगा। अगला जो अपडेट है वन प्लस की तरफ से आ रहा है, बताया जा रहा है कि वन प्लस इस महीने कुछ फ़ोन्स में इमेज इरेजर वाला ऑप्शन को रोल आउट करना शुरू कर देगा। वन प्लस 12R, नॉट CE4, वन प्लस 11, वन प्लस ओपन, इन सारे फ़ोन में आपको इनका AI इमेज इरेजर ऑप्शन इसी महीने रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। और भी बहुत सारे फ़ोन में आपको कुछ आने वाले वीक्स में या फिर मंथ में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास वन प्लस का इनमें से कोई एक फ़ोन है तो आपको इसी महीने AI इमेज इरेजर वाला जो है ऑप्शन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। अगला जो अपडेट है गूगल पिक्सल 8a के बारे में है, जी हाँ, इसका प्राइस, सारा स्पेक्स, लॉन्च टाइमलाइन वगैरह सब कुछ लीक हो गया है। सबसे पहले अगर प्राइस की बात करूँ तो बताया जा रहा है कि इंडिया में अराउंड 40,000 के अराउंड ये आ सकता है। और अगर स्पेक्स की बात करूँ तो इसमें आपको टेंसर G3 चिपसेट देखने को मिलेगा, एक 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले होगा, 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा, OIS के साथ आएगा, 4500 mAh का बैटरी होगा, 27 वाट की आपको चार्जिंग देखने को मिलेगा। वैसे बताया जा रहा है कि गूगल का जो IO होने वाला है मई में, शायद से उसी डेट में ये 14th मई वगैरह को जो है लॉन्च हो जाएगा एंड उसके बाद आपको तुरंत इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जो अपडेट है नथिंग की तरफ से आ रहा है, नथिंग ने एक नए प्रोडक्ट को टीज कर दिया है और उन्होंने बताया है कि 18 अप्रैल जो अभी आने वाला है उस डेट में एक नए प्रोडक्ट को अनाउंस करने वाला है। जी हाँ, वैसे कुछ लीक्स में बताया जा रहा है कि इनका एयर 3 आने वाला है एंड कुछ लीक्स में ये भी बताया जा रहा है कि फ़ोन 3 आएगा, बट फोन 3 अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी फोन 2A लॉन्च हुआ है। फोन 3 हो सकता है कि जून या फिर आपको जुलाई वगैरह में देखने को मिलेगा और उसमें आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 मिलने वाला है और इंडिया में जो उसका प्राइस है अराउंड 40,000 के आसपास में होगा। बाकी देखते हैं कि नथिंग 18 अप्रैल को इंडिया में कौन सा प्रोडक्ट को टीच करता है, यह आपको आने वाले टाइम में मालूम चल जाएगा। अगला जो अपडेट है पोको की तरफ से आ रहा है, अगर आपके पास पोको का फ़ोन है तो आपको बहुत ही जल्द HyperOS देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, उनका रोड मैप आ चुका है Q2 का। कुछ फ़ोन्स हैं, मैं आपको स्क्रीन पर उसका लिस्ट दिखा देता हूँ, जैसे पोको X6 Neo है, पोको M6 में आपको मिलने वाला है, पोको C65 में मिलने वाला है, पोको M4 Pro में मिलने वाला है, पोको F4 में आपको मिलने वाला है। तो ये सारे फ़ोन अगर आपके पास है तो Q2 में यानी अप्रैल, मई और जून में आपको जो है अपडेट HyperOS का देखने को मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।